नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर हमारा जो आईबीपीएस पीओ प्री का जो एग्जाम होने वाला है वो इसी एक वीक के अंदर होने वाला है, आने वाले एक वीक के अंदर होने वाला है। तो उसकी किस तरीके से हमें तैयारी करना है, कौन कौन सी बातों को हमें लास्ट मिनट के अंदर, लास्ट 7 दिन के अंदर ध्यान में रखना है, और जो लास्ट जो एग्जाम्स हुई हैं जैसे SBI PO हो गया, SBI CLERK हो गया, IBPS RRB PO हो गया, इन सब एग्जाम्स को मिला के मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा कि इस एग्जाम में आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से आपको पेपर को हैंडल करना है, एग्जामिनर की थिंकिंग वहाँ पे क्या रहती है, वो आप लोगों से एक्चुअली में करवाना क्या चाहता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में, और लास्ट 7 दिन के अंदर जो जो इस वीडियो में बताता हूं वो आप लोगों को करना है, तो कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट आपके परफॉर्मेंस में जरूर आएगा। बाकी आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले एग्जाम के अंदर क्या क्या आ सकता है पहले वो बात करते हैं, फिर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इस बार तो अगर किसी को नहीं पता, वैसे सभी लोगों को पता होगा कि 20-20 मिनट का टाइम तीनों सेक्शन के अंदर मिलने वाला है। 20-20 मिनट का, 20 मिनट मैथ, 20 मिनट रीजनिंग और 20 मिनट इंग्लिश, तीनों के तीनों सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग होगा। तो आपको ये बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बार कि भाई मैं इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, इस वाले को इतना दूंगा, क्योंकि टाइमिंग सेट करके दे दी गई है एग्जामिनर द्वारा कि 20 मिनट में आपको मैथ करना है, 20 मिनट में रीजनिंग, 20 मिनट में इंग्लिश, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसी 20 मिनट के अंदर हमें जो परफॉर्मेंस अपनी करनी है वही करनी है। और दूसरा, मैथमेटिक्स के अंदर आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, और जो आपका इंग्लिश है उसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। अब देखो, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, जैसे आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने पेपर का आइडिया लेने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आ सकता है, किस तरीके से हमें पेपर को हैंडल करना है। तो सबसे पहले मैं मेरे सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आ सकता है, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे, देखो मैथ्स में आपके आते हैं 35 क्वेश्चन और आप लोगों को मिलेंगे 20 मिनट। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या तैयार करना है अच्छे से, और क्या इस 20 मिनट में आप क्या कर सकते हो। देखो सबसे पहले देखो क्या आ सकता है, आपका जो DI आएगा वो 10 से 12 नंबर के बीच के अंदर आएगा। अब इस DI में क्या क्या आ सकता है, बार ग्राफ आ जाएगा आपका, लाइन ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, टेबल DI आ सकती है, ठीक है, और आपका जो पैराग्राफ पे क्वेश्चन बनता है कैलकुलेट का, वो लेकिन होता नहीं है, वो DI नहीं होती, वो एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन होता है, लेकिन उसको DI ग्रुप में वो दे देता है, एक वो होता है, इसके अलावा मिसिंग DI हो सकती है, ये चीजें आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। तो एक तो DI के 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, लेकिन मैं जहां तक आइडिया लगा रहा हूं आपको सिर्फ सिंपल वाली DI ही वहां पे पूछा जाएगा। सिंपल का मतलब दो पाई चार्ट दे देगा, एक बार ग्राफ दे देगा, लाइन ग्राफ दे देगा, ऐसी ही DI पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 आएंगी तो 5 मार्क्स की आएंगी, और नहीं आएंगी तो फिर नहीं आएंगी, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की नहीं आएंगी, उनकी जगह क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड आ जाएगा। अब ये क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगा। 0 से 5 जहां पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन मैंने, तो वहां पे आपको तैयार करके जाना है। क्यों तैयार करके जाना है, अगर आ गया तो फिर 5 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो 5 नंबर की रिस्क थोड़ी ले सकते हैं अपन लोग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको तैयार करके जाना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ा रखा है, ठीक है, अच्छे से, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए। नंबर सीरीज मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, नंबर सीरीज आपकी 5 मार्क्स की आएंगी आएंगी। अब नंबर सीरीज में क्या होगा, नंबर सीरीज पहले आती थी मिसिंग नंबर सीरीज, आजकल रॉन्ग वन आउट भी आ जाती है, किसी शिफ्ट में मिसिंग आ जाती है, किसी में रॉन्ग वन आउट आ जाती है, तो आपको दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट तैयार करके जाने, मिसिंग का भी और नंबर ये रॉन्ग वन आउट का भी, ठीक है। इसके बारे में एक्सपेक्टेड पेपर कराऊंगा मैथ्स का, मैंने रीजनिंग का तो करा दिया, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार कॉन्सेप्ट ये बता दूंगा, बाकी मैंने बताया हुआ है पिछले एग्जाम्स में। सिंप्लीफिकेशन आपके 5 से 10 आ जाएंगे, डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन आ जाते हैं 3 से 5, ये न्यू है, स्टार लगा रहा हूँ, वो चाहिए नई चीज़ें। क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड के 0 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, अब ये भी नया वाला है। अब क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड और डाटा सफिशियंसी, ये पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक बेस्ड होता है। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, मिक्सचर, एलिगेशन, CISI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब सारे टॉपिक होते हैं ना, ये अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाता है डाटा सफिशियंसी में, क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड में भी। डाटा सफिशियंसी में तो 2 क्वेश्चन दे देगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा दोनों, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, अब पूछेगा इन दोनों स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, पहले से निकाल सकते हैं, दूसरे से निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं, ऐसे ऑप्शन होते हैं, आपने देखे होंगे क्वेश्चन। क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड में वो पूछता है, जैसे आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे दिया, उसमें एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें टाइम निकलवा लिया, उसको दे दिया एक्स वैल्यू, एक क्वेश्चन निकाल लिया, उसमें टाइम निकलवा लिया दूसरे के अंदर, उसमें दे दिया वाई वैल्यू, एक्स और वाई में कंपेयर करा लेगा, वो आपका क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। क्वांटिटिक इक्वेशन में जैसे कंपेयर करते थे वैसे क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड में करना है। तो ये वाले जो है ना, ये दोनों के दोनों आपका डायरेक्ट अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड है।
अर्थमेटिक जिसको आती है वो ये दोनों के दोनों पोर्शन कर देगा, उसमें नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थमेटिक के इंडिविजुअल बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे अर्थमेटिक के आ जाते हैं। अर्थमेटिक का मतलब वही सारे टॉपिक जो मैंने अभी बताए, तो ये आपका पूरा पूरा मैथ्स आ सकता है। अब इसमें नया क्या क्या है वो मैं देखो आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा। देखो आप लोगों को एक तो सीरीज के अंदर रोंग वन व आउट वाली सीरीज करके जानी है, एक आपको क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड, एक आपका डाटा सफिशियंसी, क्योंकि डाटा सफिशियंसी पहले से मैं इनसे पूछता था, आजकल प्री में पूछ लेता है, और एक क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो श्योरिटी क्या है कि एग्जाम में पेपर कैसे करें, आप लोगों को डीआई क्वाड्रेटिक सीरीज सिंपलीफिकेशन, ठीक है, और क्वांटिटी मतलब ये चारों चीजें, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये तो अर्थमेटिक वर्ड है, ये चारों चीजें तो आपको एकदम शार्प क्लियर होनी चाहिए। अब टाइम की बात आती है कि सर 20 मिनट में मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो अगर मेरे तरीके से जाओगे, सीरीज आप लोग 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, सिंपलीफिकेशन 4 से 5 मिनट में सारे कर दोगे जितने भी आएंगे। ठीक है, तो ये 10 मिनट में आप लोग, ये आपका 5 से 10 नंबर है, 10 5 15 और 5 20 नंबर के आसपास आप लोग 10 मिनट में ही स्कोर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में बचेंगे 10 मिनट, उसके अंदर ये सब चीजें करते रहना आप लोग। ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन आता है, अगर इनमें से कुछ और जैसे डाटा सफिशिएंसी आ गया तो आपको अर्थमेटिक का नॉलेज होना जरूरी है, क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड आ गया तो अर्थमेटिक का नॉलेज होना जरूरी है, जिसकी जितनी ज्यादा अर्थमेटिक फास्ट होगी वो उतना ज्यादा कर पाएगा। लेकिन अभी तक किसी की अगर अर्थमेटिक तैयार नहीं है ना, तो 7 दिन के अंदर एक टॉपिक कर लोगे, 2 टॉपिक कर लोगे, 3 टॉपिक कर लोगे। ठीक है, लेकिन इन 7 दिन के अंदर किसी का अगर इन चारों में से कुछ डाउट है किसी को, तो वो ये चारों टॉपिक तो जरूर से ही तैयार कर लेना। और एक बार जिसका अर्थमेटिक तैयार है ना, वो डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड के क्वेश्चन के टाइप्स देख लेना नेट पे सर्च करके। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो आपको नहीं लगे एग्जाम में जाके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पे जाके। ठीक है, अगर अब देखो दो चीजें करनी है आपको, ये जो नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं इनका तो पैटर्न आपको देख के जाना है, क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे वो देख के जाने। अर्थमेटिक अगर किसी ने नहीं पढ़ी है ना, तो अभी वो नहीं पढ़ पाएगा, मैं बता रहा हूँ 7 दिन के अंदर नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, होपफुली उम्मीद है आपसे कि आप लोगों ने पढ़ ली होगी। ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक तैयार नहीं होगी ना, लेकिन ये जो चार टॉपिक है ना, DI क्वाड्रेटिक सीरीज और सिंपलीफिकेशन, जो प्री के लेवल का ना, आप 7 दिन में भी तैयार कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल से हेल्प ले लेना, ऑनलाइन कोचिंग से हेल्प ले लेना जो लोग वहाँ पे स्टूडेंट हैं, और इसके अलावा इंटरनेट से हेल्प ले लेना। लेकिन ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और एकदम से कम टाइम के अंदर ये तैयार हो सकते हैं, 7 दिन में भी आपके तैयार हो सकते हैं। तो इन चार टॉपिक के ऊपर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो अब दे सकते हो, आपके पास अभी टाइम है। अब आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर बात। देखो रीजनिंग के अंदर आजकल पजल का बड़ा पोर्शन आ रहा है, 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, कि आपको 4 सेट पूछ लिए तो 20 क्वेश्चन हो गए, 5 सेट पूछ लिए तो 25 क्वेश्चन हो गए, 3 सेट पूछ लिए 15 क्वेश्चन हो गए, कितने भी सेट पूछ सकता है। यानी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने बहुत सारे वीडियो करा दिए हैं यूट्यूब के ऊपर भी, तो वहां पे जाके एक बार एक आइडिया ले लेना कि सेटिंग अरेंजमेंट और पजल होता क्या है, बेसिकली कैसे कैसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाते हैं, कैसे हम लोग श्योरिटी कर सकते हैं, चीजों को मैनेज करके चलते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट में यही होता है कि आप लोग जिग-जैग वे में इधर उधर से चीजों को उठाने लग जाते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर आप लोग एकदम मैनेज्ड वे के अंदर चल रहे हैं तो ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट और पजल आराम से सॉल्व हो जाता है। तो इसके गोल्डन रूल की वीडियो बनाई है, उसके बाद मैंने लीनियर की, सर्कुलर की, स्क्वायर की बहुत सारी वीडियोज बनाई है, और आपका एक्सपेक्टेड पेपर भी में भी मैंने IPPB PO का करवा दिया है, उसमें बॉक्स पजल भी मैंने करवाया है, तो वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। अब आती है बात कोडिंग डिकोडिंग की। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगा तो 0 नंबर, आ गया तो फिर 5 नंबर, तो इसको तैयार करके जरूर जाना है। इनइक्वलिटी आ गया, नहीं आया तो 0 नंबर, आ गया तो 5 नंबर। अब इन दोनों तीनों चीजों में से एक चीज तो आएगी आएगी, कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वलिटी और सीलोग में से एक या दो चीज जरूर आएंगी, सीलोग नहीं आया तो 0 नंबर, आ गया तो 5 नंबर। अब इन तीनों चारों चीजों में से कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही, वो सारी थोड़ी है कि सारी हटा देगा, इसलिए चीजें सारी तैयार करके जानी है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन फिर मैंने 0 इसलिए लिख दिया कि नहीं आएगा तो बोलेंगे सर हम तो सीलोग तैयार करके गए आपके बोलने से, हमारा तो नहीं आया तो एग्जाम में गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है कि आपका 0 से 5 है, 0 से 5 होने का सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि आ गया तो 5 नंबर है और नहीं आया तो फिर 0 है ही अपना। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है यहाँ पे भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग और आपका ये कोडिंग डिकोडिंग और इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ट हो सकते हैं। तो बस इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक दो टाइप के क्वेश्चन देख लेना है, नया आया है थोड़ा सा। ठीक है, तो 2-4 टाइप के इसके क्वेश्चन देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ये इसमें जो चीज़ें यूज होती है ना, वो आपकी ऊपर नीचे जो टॉपिक लिखे हुए ना, इन्हीं की होती है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के 1 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्शन के 1 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, या तो एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लेगा या 3 क्वेश्चन का एक सेट पूछ लेगा। रैंकिंग के 0 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इनपुट आउटपुट के 0 से 5 क्वेश्चन। अब देखो इनपुट आउटपुट जनरली वैसे एग्जाम में आता
आता नहीं है प्री के अंदर, लेकिन अगर आ गया तो 5 नंबर का आएगा और आजकल नए पैटर्न में पूछा जा रहा है, इसलिए भी तैयार करके जाना है। इसके अलावा अदर जैसे अल्फाबेटिकल कोडिंग हो गई, ऐसे छोटे मोटे जो वर्ड होते हैं ना, उनके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे कोई वर्ड लिख दिया टीचर, अब टीचर के आपस में वर्डों के बीच में जितने ये लेटर्स के बीच में जितने लेटर्स हैं और डिक्शनरी में जितने लेटर्स हैं, तो उतने ये कॉम्बिनेशन बैठने वाले कितने यहाँ पे लेटर्स हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग का ये पैटर्न हो गया। अब रीजनिंग में बताता हूँ आपको, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल तो 7 दिन के अंदर जितने लगा सकते लगा लो, कि बुक ले लो और उसके अंदर लगाया जाओ बस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल कि अगर आपने अपने माइंड सेटअप में एक अप्रोच नहीं बनाई है, अप्रोच बनाने का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं कैसे सोचूंगा पजल को देख के, सिटिंग को देख के, वो चीज़ें आप लोग देख लेना। दूसरा इसका बेसिक का मतलब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज लेफ्ट राइट, वो सारी चीज़ें भी आप लोग देख लेना। और इसको लास्ट के 7 दिन में आप लोग प्रैक्टिस करके और बेहतर बना सकते हो। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना, उसमें सिंपल से रूल हैं, बाकी आपका बेसिक माइंड अगर चलता है तो आप इसको कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक के वीडियो है वो देख लेना। ठीक है, इसका थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल के लिए लेना, लास्ट 7 दिन के अंदर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है आप लोगों को। इसके अलावा ये जो सारे टॉपिक है ना, ये तीनों टॉपिक एकदम से क्लियरिटी के ऊपर कराए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर ही अपने। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें भी आप लोग देख सकते हो। इधर आता है डाटा सफिशिएंसी, सारा इसके ऊपर बेस्ड है, और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप लोग इजीली तैयार कर सकते हो। इनपुट आउटपुट का भी शायद मैंने एक वीडियो ऑनलाइन क्लास में डाला था, सॉरी यूट्यूब पे नहीं डाला था। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट वहाँ पे कराया हुआ है और इसमें कुछ खास बात नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 7 दिन के अंदर मेन फोकस आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के अंदर होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक इनइक्वलिटीज नहीं किया है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं किया है, ये 2 टॉपिक आप लोग 1 दिन में तैयार कर सकते हो। सिलोग में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये 2 टॉपिक आप लोग 1 दिन में तैयार कर सकते हो। और इनके जो 10 क्वेश्चन है ना, दोनों के मिला के 2 से 3 मिनट में हो जाते हैं, टाइम बचाते हैं ये। यानी कोडिंग डिको इनइक्वालिटी के तो 5 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाते हैं मेरे वाले तरीके से, किसी को नहीं पता तो वीडियो देख लेना। कोडिंग डिकोडिंग का भी 2 से 2.5 मिनट के अंदर हो जाता है, 3 से 4 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये आ गए तो आपके। तो ये आप लोग 1 दिन में सीख सकते हो, 1 दिन कुछ घंटों में सीख सकते हो। जिन्होंने नहीं सीखा है ना, वो सीख लेना अभी तक। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग और मैथ्स का मैंने बता दिया, जो कि मेरे सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश के अंदर मैं जितना बता सकता हूँ मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आएगा, बस मैं यही बताना चाहूँगा कि जो पैसेज आएगा उसके 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, एरर डिटेक्शन के 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लोज टेस्ट के 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, पैरा जंबल और सेंटेंस रीजन में 5 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो आजकल थोड़ा सा चेंज कर रहा है, पहले क्या होता था 5 सेंटेंस देता था, उसको रीअरेंज करा के पूछता था पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। आजकल क्या पूछेगा, 1 सेंटेंस के अंदर 5 सेंटेंस दे देगा, पहला सेंटेंस तो आपको फिक्स करके दे देगा कि ये पहला ये है, उसके नीचे एडजस्ट करो, फिर ऑप्शन में देगा कि इसका ये है इसका ये, तो इस पर एक ही क्वेश्चन बनेगा, 1 5 सेंटेंस पे एक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग 5 सेंटेंस देगा, फिर उसका पहला फिक्स कर देगा कि पहला तो यही है, नीचे वाले अरेंज करो, फिर उस अरेंजमेंट के ऑप्शन दे देगा ABCD DEFG, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, फिर उस ऑप्शन में से आपको चॉइस करना होता है। तो ये वाले जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ना, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है जब ये एक ही क्वेश्चन पूछता है 5 सेंटेंस के ऊपर। अलग 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 पूछेगा तो फिर उसके अंदर अगर आपके सही हुए तो 5ों हो गए, गलत हुए तो सारे हो गए गलत। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन पूछ लेता है और आपका फिल इन द ब्लैंक के 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश के देखने, तो मैं तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना। ये जो पीछे बैंक के एग्जाम हुए हैं ना अभी, इनके प्री के मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे आपको नेट के, वहाँ पे जाके देख लेना एक बार नए पैटर्न के कैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि ये नहीं लगे एग्जाम में जाने पे कि यार ये नया क्या आ गया। नया एकदम आते ही मतलब इंसान एग्जाम के अंदर एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, एक बार देखी हुई चीज़ आती है तो एक बार फिर भी उसमें दिमाग लगा लेता है। तो एक बार इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए अपने जो ये लेटेस्ट पेपर हुए ना, RRB क्लर्क हो गया, RRB PO हो गया, SBA PO हो गया, SBA क्लर्क हो गया, ठीक है, ये जो भी पेपर हुए हैं आपके प्री के, इनके एक बार पेपर्स मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेना, रिव्यू देख लेना, एनालिसिस देख लेना, वहां से आपको सारी चीजें ये पता चल जाएंगी। तो बस अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से तैयारी करनी है। लास्ट 7 दिन में मैंने बता दिया है, यहाँ पे ये टॉपिक, यहाँ पे ये 3-4 टॉपिक हो गए, और इधर आप लोग एक बार पेपर सोल्व कर लेना 5-6, यही चीज़ कर सकते हो। दूसरा, 7 दिन के अंदर बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, अपने डाइट वगैरह का, हेल्थ का ध्यान रखना है, ताकि एग्जाम आते टाइम पे अगर हमारी हेल्थ भी हमारा साथ नहीं देगी तो किस तरीके से तैयारी करेंगे, तो उसको भी इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसे नहीं है कि भाई दिन सुबह से लेके दूसरे दिन सुबह तक पढ़ रहे हैं तो नींद खराब कर ली तो उससे तबियत थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तबियत गड़बड़ हो गई तो फिर वो एग्जाम भी गड़बड़ अपने आप ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब ये लॉजिक ही नहीं है। मतलब लास्ट के 7-8 दिन में तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से,
से कम हमारा दिमाग और बॉडी सही रहेगा तभी हम लोग अच्छे से पेपर दे पाएंगे। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं की वीडियो के अंदर बताता हूँ। बाकी मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो उसको एकदम से समेट लो 7 दिन के अंदर। और मेन चीज जो स्कोरिंग टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान दो और थोड़ा सा टाइम लिमिट के ऊपर ध्यान दो, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। तो दोस्तों मेरी तरफ से आईपीएस पीओ प्री एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा ही होगा। बस आप लोग थोड़ा सा टाइम ये बचाए इसके अंदर अच्छे से तैयारी करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।